तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न रिकॉग्निशन। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन इज ए प्रोसेस विच कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट वन ऑफ द कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न रिकॉग्निशन होता क्या है? जैसा लिखा है, पैटर्न रिकॉग्निशन इज ए प्रोसेस विच कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट वन ऑफ द कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न रिकॉग्निशन क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करता है, यानी किसी एक कैटेगरी में रखेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके फीचर के हिसाब से। सपोज हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइजर क्या करेगा, एनालिसिस करेगा और उनके फीचर के हिसाब से, जिस फीचर के हिसाब से पहले से कैटेगरी बनी हुई है, उन्हीं फीचर के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को किसी कैटेगरी में रखेगा। यानी कि रिकॉग्नाइजर क्या है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करता है किस आपके कैटेगरी में रखना है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रिकॉग्नाइजर विच कैन क्लासिफाई which can classify a class in boys and girls, boys W नॉट से दिखाया गया है, 41, 45, 42, 50, 48, 38 एंड गर्ल्स को दिखाया गया है W जी से, 37, 39, 41, 32, 31, 33। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रिकॉग्नाइजर दैट कैन
विच कैन क्लासीफाई अ क्लास इन बॉयज एंड गर्ल्स. हमारे पास ऐसा रिकॉग्नाइजर है जो कि किसी भी ह्यूमन को क्लासीफाई करेगा बॉयज या गर्ल्स में ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट के हिसाब से. जैसे कि हमने एक फीचर लिया है वेट, और वेट के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग का, उसे ऑब्जेक्ट मान ले तो बॉयज़ या गर्ल्स में. तो W नॉट जो है ये बॉयज़ के लिए वेट दिया गया है जो कि 41, 45, 42, 50, 48, 38, और WG गर्ल्स का दिया है 37, 39, 41, 32, 31, 33. अब हमने क्या क्या किया है, रिकॉग्नाइजर में हमने ऐसा सेटअप किया है जो कि पिछले कुछ और एग्जाम्पल से हमने रिकॉग्नाइजर बनाया है, जो कि ये कहता है जो वेट आपके 40 से ज़्यादा आए, जैसे जो वेट आपके 40 से ज़्यादा आए, जैसे 50, 48, 45, 42, 41, देन यहाँ 39, 38, 37, 33, 32, 31, ठीक है. तो इस तरीके से हमने रिकॉग्नाइजर बनाया कि जो वेट 40 से ज़्यादा आए, वेट के फीचर के हिसाब से बनाया, उसे हम क्लासिफाई करेंगे बॉयज़ में, और जिनका 40 से कम आए उसे क्लासिफाई करेंगे गर्ल्स में. तो अगर हम वेट क्लासिफाई करें तो 41 देखिए यहाँ पे आ रहा है जो कि लेफ्ट साइड में आ रहा है वेट 40 के, ठीक है. हमने इस लेफ्ट साइड को, यानी कि जो आपका ज़्यादा वेट है 40 से, उसे लेफ्ट साइड में दिखाएं, तो 41 आपको बॉयज़ के लिए है. ये वाला जो एरिया है ये बॉयज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, और ये वाला जो है ये गर्ल्स के लिए है. तो हमने 41 लिया या 45 लिया या 42 लिया, 50 लिया या 48 लिया, तो ये सारे के सारे वेट जो हैं वो बॉयज़ में क्लासिफाई हो गए हैं. और जो वेट इससे कम आएगा, जैसे 39, 38, 37 यहाँ से लिया हमने, वो सारे गर्ल्स में क्लासिफिकेशन होंगे. बट एक वेट हमें यहाँ 38 दिखाई दे रहा है जो कि राइट साइड में आ रहा है, और 38 वेट बॉयज़ का है, ठीक है. तो रिकॉग्नाइजर बनाने के लिए हमने केवल एक फीचर लिया है वेट, तो रिकॉग्नाइजर क्लासिफाई तो जनरली कर देगा बॉयज़ एंड गर्ल्स में, बट फीचर्स इतने कम लिए गए हैं कि कहीं कहीं जो है रिकॉग्निशन में गलतियां हो सकती हैं. जैसे 38 को आपने यहाँ गर्ल्स वाले में डाल दिया है. अगर हम एक आध फीचर और लेते हैं, जैसे वेट का फीचर ले लेते हैं, सॉरी हाइट का फीचर ले लेते हैं, तो हाइट और वेट के हिसाब से दोबारा से हम क्लासिफाई करते तो होता कि और अच्छे से क्लासिफिकेशन होता. हो सकता कि 38 वाला हाइट की वजह से बॉयज़ में आ जाता. यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स को लेकर के आप क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन उतना एक्यूरेट होगा. दूसरी चीज़ कि जितने नंबर ऑफ फीचर्स आप लेंगे, उतने नंबर ऑफ डायमेंशंस में आपकी क्लासिफिकेशन होती है. अब यही जैसे मैं अदर एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें हाइट को भी मैं ले लूँगा, हाइट को भी कंसिडर करूँगा, फिर क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाऊँगा. तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं. ऐसे W नॉट एक एग्जाम्पल और लिया है जिसमें हमने दिखाया है 41, 145, 45, 149, 42, 150, 152, 48, 154, 38, 142. और WG यानी गर्ल्स के लिए हमने ले लिया है 37, 141, 39, 139, 41, 143, 32, 145,
31, 145, 35, 143। तो देखिए दो डेटा इस बार लिए हैं तो दो डायमेंशन में आपके रिकॉग्नाइजर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसा कि मैं बता दूं W नॉट जो है आपके बॉयज के लिए है, जहां 41 उसके वेट को दिखा रहा है और 145 उसकी हाइट को दिखा रहा है, यानी फर्स्ट वाला जो आपका डेटा है वो दिखा रहा है वेट को और सेकेंड वाला दिखा रहा है हाइट को। तो ये सारे के सारे डेटा दिए हुए हैं और हमें इसे क्लासीफाई करना है वेदर इट इज़ इन बॉयज़ और गर्ल्स। अगर मान लीजिए हमें W नॉट और WG नहीं दिया रहता तब हम कैसे पता करते कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा। तो पहले कुछ ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से हमने एक रिकॉग्नाइजर बनाया है जिसको हम टू डायमेंशन में दिखाएंगे। टू डायमेंशन में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि दो फीचर्स लिए हैं वेट एंड हाइट। तो देखिए दो डायमेंशन लिया है हमने, हॉरिजेंटल वाली लाइन को वेट ले लिया है, वर्टिकल वाले को हाइट ले लिया है। ये जो लाइन है जहाँ से नीचे वाली जितने भी डेटा पॉइंट्स नीचे आएंगे वो सारे के सारे आपके गर्ल्स में क्लासिफाई होंगे और जो इस लाइन के ऊपर आएंगे वो बॉयज़ में क्लासिफाई होंगे। तो इस लाइन को हम कहते हैं बाउंड्री। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में एक लाइन ऐसे खींचा था वन डायमेंशन वाले में, तो ये बाउंड्री थी जो 40 वाले वेट पे थी, इसको कहते हैं बाउंड्री। ये आपके होते हैं क्लासेस, जो आपके क्लासेस यहाँ बने हुए हैं क्रॉस और सर्कल में, इसे कहते हैं क्लास। और ये पूरा आपका रीजन है, तो सारे रीजन में ही आप क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो फीचर अगर हमने ले लिया है तब हम क्लासिफाई करेंगे तो और अच्छे से क्लासिफिकेशन होगा कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में क्या होती है। जैसा बताया था द मोर द फीचर ईजियर टू क्लासीफाई, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फीचर होगा उतने ईजिली आप क्लासीफाई कर लेंगे, कुछ उसमें परफेक्शन में गलतियाँ आने की चांसेस नहीं रहेंगी। तो पहला तो ये हो गया है जो मैं पहले बताया था। आगे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं जैसा लिखा हुआ है। पैटर्न रिकॉग्निशन इज द एक्ट ऑफ taking in a new data, and making an action, based on category of pattern, example of पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, तो पहला है फिंगरप्रिंट, दूसरा है ह्यूमन फेस, तीसरा है वर्ड स्पीच
रिकॉग्निशन, चौथा है डीएनए सीक्वेंस एंड पांचवा है मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, तो क्या लिखा है, पैटर्न रिकॉग्निशन इज द एक्ट ऑफ टेकिंग इन न्यू डेटा एंड मेकिंग इन एक्शन बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन का क्या होता है कि आप कोई भी नए डेटा को इनपुट एज अ इनपुट लीजिए और उस पर एक्शन लीजिए, यानी कि उसके फीचर्स को देखते हुए उस पर एक्शन लीजिए और जिस फीचर के हिसाब से यानी जिस पैटर्न के हिसाब से जहाँ पे वो पॉइंट आएगा वहाँ पे उसको आप दिखाइए और उस पॉइंट पे उसकी क्लासिफिकेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि पहले से आपको बाउंड्री क्लासेस और रीजन दिए हुए हैं, हमें बस उसके हिसाब से इनपुट डेटा को प्लॉट करना है उन रीजन में, और जब उस रीजन में आप दिखाएंगे तो रीजन खुद बताएगा किस क्लास में आ रहा है वो रीजन, तो वहाँ से आप उसकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट होता है फिंगर, सबके पैटर्न अलग होते हैं फिंगर के, तो फिंगरप्रिंट हो सकता है एग्जाम्पल। ह्यूमन फेस, सबका चेहरा अलग अलग होता है, आँख की रेटिना अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से ह्यूमन फेस का हो जाता है। वर्ड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप जो वर्ड बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे आप सीरी या गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं तो आपके वर्ड को रिकॉग्नाइज करके रिस्पॉन्स करता है। डीएनए सीक्वेंस, सभी का डीएनए सीक्वेंस अलग अलग होता है तो उसको क्लासेस में डालते हैं। और मेडिकल डायग्नोसिस, यानी मेडिकल डायग्नोसिस में भी आप एमआरआई वगैरह में पैटर्न रिकॉग्निशन का यूज़ करते हैं कि किस क्लास में आएगा। आपको अगर कोई डिजीज़ है या कोई दिक्कत है तो वो पैटर्न रिकॉग्निशन के हिसाब से क्लासिफाई कर देगा कि आपके बॉडी में क्या चीज़ कहाँ पे प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपको नॉर्मल दिखाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मली उसको क्लासिफाई करेगा कि चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन के फर्दर कुछ अदर टाइप्स होते हैं जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन का ही में होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, देन होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन होता है क्लासिफिकेशन रेग्रेशन क्लस्टरिंग एसोसिएशन। तो ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं आपको पहले। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपको लेबल डेटा रहेगा, यानी इनपुट के साथ कैसा आउटपुट आना चाहिए ये आपको गिवन रहेगा। अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल डेटा होंगे, यानी कि आपको आउटपुट नहीं दिया होगा, खुद ही आपको एक रेट आउटपुट फाइंड आउट करना होगा। सेमी सुपरवाइज्ड में कुछ डेटा लेबल्ड होंगे, कुछ अनलेबल्ड होंगे। जैसा सुपरवाइज्ड के दो कैटेगरी बनाए गए थे, क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता था, जैसे कि आपको पहले से पता है कि आउटपुट क्या होना चाहिए तो उसके हिसाब से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, कोई चीज़ रेड है गोल है तो उसे एप्पल कहेंगे, तो एप्पल नाम के क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर देंगे, कोई चीज़ रेड और गोल दिखाई देगी। कोई चीज़ ग्रीन हो गोल हो छोटे छोटे दाने हो तो वो आपके गुआवा होगा, तो गुआवा वाले में इसको कर दिया जाएगा। एक बार यहाँ क्लस्टरिंग देख लेते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। क्लस्टरिंग में पैटर्न के हिसाब से आप क्लस्टरिंग करते थे, आपको ये नहीं पता है कि आपका एप्पल क्लासिफिकेशन में जाएगा या फिर गुआवा क्लासिफिकेशन में जाएगा। आप क्लस्टरिंग के हिसाब से अलग अलग एक पैटर्न बनाए होंगे और अलग अलग क्लस्टर्स में डाल देंगे। अब रेग्रेशन देखते हैं। रेग्रेशन में क्या होता था कि जैसे कोई चीज़ जो काउंटेबल हो, जैसे डॉलर हो, तो डॉलर की क्लासिफिकेशन आपने कर दिया, बट डॉलर्स के भी नंबर अलग अलग होते हैं, वेट, इन सब के लिए वेट हो गया, डॉलर हो गया, हम रेग्रेशन का यूज़ करते हैं। एसोसिएशन मतलब होता है कि कोई एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट हो, यानी कि बैट के साथ आप बॉल लेंगे ही, तो उस तरह की चीज़ों पे एसोसिएशन के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं। सेमी सुपरवाइज्ड मैंने बता दिया था, इसमें कुछ
आपके लेबल डेटा होंगे, कुछ अनलेबल्ड डेटा होंगे, ठीक है। देखते हैं स्टेप्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो स्टेप्स थोड़े लंबे, इसलिए दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं बोर्ड को। स्टेप वन है सेंसिंग। सेंसिंग में क्या है, हाउ वी कैप्चर डेटा फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस, फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। स्टेप टू है टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, to extract the information of our interest from the captured signal देन क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन। इन दिस स्टेप we decide which feature we have to select ये step 3 हो गया है। स्टेप थ्री में ही है, फीचर वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिलोंगिंग टू सेम क्लास should be very close to each other next kya hai, feature value
ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर From each other, which belong to other classes, belong to other classes. तो यहाँ step 3 तक है, step 4 से फिर से लिखेंगे. step 1 से step 3 समझ लेते हैं क्या है. तो स्टेप्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन में पहला स्टेप है हाउ वी कैप्चर डाटा फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस, यानी कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए. तो जब आप कैप्चर करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसके फीचर्स को देखेंगे और उनके कौन कौन से फीचर देखने जरूरी हैं क्लासिफिकेशन के लिए ये फाइंड आउट करेंगे. टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर इंटरेस्ट फ्रॉम द कैप्चर्ड सिग्नल, आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, आप वही इंफॉर्मेशन यानी वही फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो आपके इंटरेस्ट का है, यानी कि जिसके हिसाब से आप क्लासिफिकेशन कर सके. फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या लिखा, इन दिस स्टेप वी डिसाइड विच फीचर वी कैन टू सेलेक्ट. तो आपने सबसे पहले कैप्चर किया, देन अपने मतलब का इंफॉर्मेशन निकाला, देन उसमें से बेस्ट फीचर को निकाला जिसके हिसाब से आप अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेस्ट फीचर निकल रहा है. आगे क्या लिखा, फीचर वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू सेम क्लास शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम छोटा सा बनाऊँ तो ऐसे एक बाउंड्री थी, यहाँ पे कुछ सर्कल्स थे, यहाँ पे क्रॉस थे. तो जो सर्कल्स थे वो सेम क्लासेस में थे, यानी कि जो सेम क्लास को बिलोंग करेंगे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स, उनके फीचर्स बहुत क्लोज, एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए, तभी तो वो एक बाउंड्री के एक साइड में आएंगे, एक क्लासेस में जाएंगे. और यहाँ लिखा फीचर वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर विच बिलोंग्स टू अदर क्लासेस, लेकिन इस क्रॉस और इस सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी फार अवे होनी चाहिए, तभी दोनों की अलग अलग क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकते हैं. यानी फीचर वैल्यू बहुत दूरी पे होनी चाहिए अगर दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग क्लास में हैं, और सेम क्लास में है तो उनके फीचर वैल्यू बहुत करीब करीब होनी चाहिए. तो यही चीज लिखा हुआ है, ये स्टेप 3 हो गया. अब स्टेप 4 में क्या हो रहा है आगे देखते हैं. तो स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में लिखा है डिजाइन ऑफ क्लासिफायर, देन क्लासिफायर का आप डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ क्लासिफायर. तो लिखा है डिजाइन ऑफ क्लासिफायर belongs to process which create class region और बाउंड्रीज और बाउंड्रीज. और ये स्टेप 4 हो गया. और स्टेप 5 क्या है, द क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, assigning an unknown
डेटा पॉइंट वन ऑफ द प्रीडिफाइंड क्लास लेवल, वन ऑफ द प्रीडिफाइंड क्लास लेवल। तो यहां क्या लिखा है कि डिजाइन स्टेप थ्री तक हो गया था, यानी कि आपने बाउंड्रीज वगैरह आपने डेटा वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, किसके हिसाब से रिकॉग्नाइजर बनाना है। डिजाइन ऑफ क्लासिफायर, अगला स्टेप है डिजाइन ऑफ क्लासिफायर। डिजाइन ऑफ क्लासिफायर बिलोंग्स टू प्रोसेस विच क्रिएट अ क्लास रीजन और बाउंड्रीज। यानी कि अब डिजाइन ऑफ क्लासिफायर में क्या होगा कि डी डायमेंशन के हिसाब से, यानी जितने आपने फीचर लिए हैं उसके हिसाब से आपके बाउंड्रीज बन जाएंगे और क्लास रीजन्स बन जाएंगे, किस क्लास में कौन से आपके ऑब्जेक्ट्स आएंगे। द क्लासिफिकेशन असाइनिंग एन अननोन डाटा पॉइंट ऑफ द प्रीडिफाइंड क्लास लेवल। अब आपको जो जो भी नया ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसमें से वो फीचर निकालेंगे जिसके हिसाब से रिकॉग्नाइजर बनाया गया है, और इसकी डेटा पॉइंट को कहीं हम प्लॉट कर देंगे, और जिस रीजन में वो आएगा उस रीजन के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। तो ये था आपका पैटर्न रिकॉग्निशन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैटिकल पैटर्न रिकॉग्निशन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।